मुझे पूरा यकीन है अपने बेटे पर कि वो अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखेगा और मान कभी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, मैं सोफिया से शादी करूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सबीन की सारी छोड़ी हुई चीजें तुम्हारे हिस्से में आई? वो क्या कहते हैं उसे, हाँ उत्तरन। आज भी इखलाक का फोन आया था, तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे थे। वैसे भी उनके घर जाना है। वो किस लिए है? मुस्तफा की शादी तय हो रही है। इखलाक के घर जाना है कल। क्यों? मुस्तफा की शादी है और उन्होंने सिर्फ हमारी फैमिली को इनवाइट किया है। शादी? वाव आंटी, क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ प्लीज? हाँ क्यों नहीं, तुम शादी पे जरूर चलना। तुम यहाँ गेस्ट नहीं हो, हमारी फैमिली का हिस्सा हो। थैंक यू आंटी। शाज़ेन, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ देर तो रुको। मेरी सुबह एक मीटिंग है, तैयारी करनी है उसकी। वैसे भी अब तुम यहाँ हो ही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ताया जी, मैं सबीन बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, ताया हूँ तुम्हारा। मैं कैसे तुम्हारी आवाज नहीं पहचानूंगा, मुझे पता है तुम सबीन ही बोल रही हो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ ताया जी, आप कैसे हैं? और ताई जी कैसी हैं? सोफिया, शाजी और सब ठीक है बेटा, मगर जिसका नाम लेते लेते तुम रुक गई हो वो भी बजाय ठीक ही नजर आता है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। ताई जी, मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। सोफिया और मुस्तफा की शादी की मुबारकबाद। आप यकीन करें ताई जी, मुझे बहुत खुशी है। मैं सच में बहुत खुश हूं। मुझे माफ करना बेटा, मैं उस तरह से तुम्हारा दिफा नहीं कर पाया जिस तरह से मुझे करना चाहिए था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ताई। किस्मत को शायद यही मंजूर था जो आपसे कोई गिला नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, लेकिन गिला मुझे अपने आप से। मैं अपने भाई की बेटी को वो मकाम न दिला सका जिसकी वो हकदार थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं ताई जी? अब आपने बुलाया? मैं बाद में बात करती हूँ ताई जी, अपना ख्याल रखिएगा। आप सबीन से बात कर रहे थे? तुम लोगों ने जो सलूक उसके साथ करना था कर लिया, लेकिन वो मेरी भतीजी है, क्या उससे बात करने के लिए भी मुझे तुम लोगों से पूछना पड़ेगा? मैंने ऐसा नहीं कहा अब्बा। अब तुम क्या कहोगे मुस्तफा? जितनी तजलील तुम लोगों ने मिलकर उस बिचारी की है, उसको तो इस घर की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए था।
मगर फिर भी वो तुम सबका पूछ रही थी। खैर मैंने अभी तुम्हें इसलिए बुलाया कि मुझे बता दो शादी के क्या इंतजामात करने, सब हो जाएगा। और हाँ उसका नंबर ले लेना मुझसे, शायद कभी उससे बात करने की जरूरत पड़ जाए तुम्हें। जो उसने मेरे साथ किया अब्बा, उसके बाद मुझे कभी उससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तफा जी। अम्मी जी क्या है, तुम ऑफिस आ रहे हो? जी। लेकिन बेटा आज तो तुम्हारा सोबिया से निकाह है, आज तो रहने देते, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की। ऑफिस फोन कर दो, उन्हें कह दो कि आज शाम को तुम्हारा निकाह है, घर में बहुत सारे काम है तुम्हें। अम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या तुम होश में तो हो? जानते हो तुम मुझे क्या कह रहे हो? शाम में तुम्हारा निकाह है और तुम मुझे इस वक्त कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकते हो? तो क्या करूं बताएं, क्या करूं? अपनी जान से बढ़कर चाहता मैंने उसे, जुनून था, इश्क था वो मेरा, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। मेरे इश्क की तौहीन की है उसने, लेकिन मैं किसी और को अपना कर अपने इश्क की खुद तौहीन नहीं कर सकता। ना तो मैं उसे भुला सकता हूं और ना ही किसी और को अपना सकता हूं। अम्मी प्लीज मुझे मजबूर मत करें, मत करें मुझे मजबूर उसके लिए जो मेरे बस में नहीं है। तुमने समझ क्या रखा है मुस्तफा? तुम्हारे हाँ कहने के बाद ये शादी मैंने तय की थी, सुबिया को तुमने मजाक समझ रखा? जब चाहोगे शादी के लिए हाँ कह दोगे और जब चाहोगे शादी के लिए इनकार कर दोगे। तुम्हारे जज्बात है और उस बच्ची के जज्बात की तुम्हें कोई फिक्र नहीं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मुस्तफा, ये शादी होगी और आज ही होगी, हर सूरत होगी। और आज अगर शादी के तुमने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो याद रखना, अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। मैंने शफीक भाई को बोल दिया, वो शादी की सारी तैयारियां देखो। और हाँ ये सोच के ऑफिस जाओ कि यहां तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही है और ये शादी तुम्हें करनी है। तुम्हें तो वहां खास तौर पर जाना चाहिए ताकि मुस्तफा को ये एहसास हो कि उसकी शादी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात नफीसा की, मेरी मौजूदगी में वो तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगी। रब्बा इश्क कभी ना होवे, इश्क कभी ना होवे। रब्बा इश्क कभी ना होवे, इश्क कभी ना होवे। खराब हो गया इस लड़के का, शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, ऐसे शादी नहीं करेगा, सारी जिंदगी सबीन के लिए आंसू बहाता रहेगा ये। तुम चुप क्यों हो गए खाला जान? नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। कोई भी बात ऐसे नहीं की जाती खाला जान, हर बात की कोई ना कोई वजह होती है और आपके इस गुस्से और परेशानी की वजह मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ मुस्तफा ने शादी से मना कर दिया। अरे नहीं बेटा वो तो झूठे दिलासे देने से सच बदल नहीं जाता खाला जान।
मैं जानती हूँ खाला जान के मुस्तफा आज भी सबीन से ही मोहब्बत करता है और उसी की वजह से वो शादी से इनकार कर रहा है। वो लड़की तो मुसीबत बनकर नाजिल हुई है हमारे इस घर पर। इस घर में थी तो साहब, इस घर से चली गई तो एक नई मुसीबत बन गई हमारे लिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुस्तफा की दुल्हन बनोगी तो सिर्फ तुम बनोगी। मैंने मुस्तफा को साफ साफ बोल दिया, ये शादी आज ही होगी अपने टाइम पर। तुम फिक्र मत करो, जाके तैयार हो जाओ। मैं शाजी को ये कपड़े दे इस्त्री करने के लिए। पप्पू। हाँ बेटा, कोई काम है क्या? मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं शादी में नहीं जाना चाहती। क्यों, क्यों नहीं शादी में जाना चाहती? पप्पू आप जानती तो हैं, फिर भी ये सवाल कर रही हूँ। आपको पता है वहां मुझे कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ ताए जी हैं, उनसे मैं फिर कभी जाके मिला हूं। मैं नहीं चाहती वहां मेरे जाने से कोई बदमस्ती हो। ताए जी का रवैया कैसा है मेरे लिए ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम। जानती हूं, इसीलिए मैं समझती हूं कि वहां तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मुस्तफा की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि सबीन, तुम्हें तो वहां खास तौर पर जाना चाहिए ताकि मुस्तफा को यह एहसास हो कि उसकी शादी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात नफीसा की, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मेरी मौजूदगी में वो तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगी। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, छोड़ के जाने वालों के लिए दुख नहीं बल्कि उनकी कम अकली पर अफसोस करना चाहिए। और मुस्तफा ने अपनी कम अकली और कमजोरी से तुम्हें ठुकरा दिया। उस जैसे इंसान के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो जाकर तैयारी करो। मैंने कहा ना, जाकर तैयारी करो, हम सब शादी में जाएंगे। हाँ बल्कि वो शांसे की भी तैयारी में हेल्प कर देना, बहुत एक्साइटेड है वो शादी में जाने के लिए। जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं लगता कि सबीन की सारी छोड़ी हुई चीजें तुम्हारे हिस्से में आई। वो क्या कहते हैं उसे, हाँ उत्तरन, मेरा मतलब है कि पहले मुस्तफा भाई, फिर ये सब सामान और सबीन की शादी का जोड़ा। अम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें उत्तरन में भी अपनाने को तैयार हूँ मुस्तफा। मैंने तुमसे बेगुनाह मोहब्बत की है, मगर तुम सबीन के रिश्ते अभी तक बाहर ही नहीं आ पाए जो तुम मेरी मोहब्बत को देख भी पाओ।
बंद करूं? बस एक सेकेंड और, खोलो। ये क्या है? खोल के देख लो। ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगा भी लग रहा है मुझे, और इसमें तो हम दोनों का नाम भी लिखा हुआ है। जैसे मेरे दिल पे तुम्हारा नाम। अब मुझे ये बताओ कि ये कितने का लिया? तोहफे की कीमत नहीं पूछा करते। मैं जानती हूँ कि नहीं पूछती, मगर ताई जी ने देख लिया तो क्या बोलूं? तुम उनकी फिक्र छोड़ो और मुझे ये अपने हाथों में पहन के दिखाओ। नहीं, ये मैं अभी नहीं पहनूं। किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? किसने दिया? फिर कब पहनोगी? हमारी शादी के बाद, ताकि तुम्हारे सारे हक मेरे हक बने, तब हमारे रिश्ते पे कोई भी उंगली नहीं उठा सके, मुझे किसी से भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सबिन दीदी, आप तैयार नहीं हुई? मैं हो रही हूँ। शांजी बीबी आपको अपने रूम में बुला रही है। तुम जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। तुम यहाँ कोई काम था? ये समझ लो कि तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। बचपन से आज तक मैंने तुम्हारा साथ दिया है, एक दोस्त की तरह। इतना हक तो है कि मैं सिर्फ एक बार तुमसे कुछ मांग लूँ। मैं तो खुद हाथ फैलाए खड़ा, तुम्हें क्या दे सकता? ये खाली दामन देख रहे हो मुस्तफा? बचपन से आज तक मेरी जिंदगी इस खाली दामन की तरह रही है। जिंदगी में सिर्फ मैंने एक ही मोहब्बत की, और वो तुमसे। मेरी जिंदगी भी आज तक इस दामन की तरह खाली है। अपनी मोहब्बत की भीख डाल दो मुस्तफा, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें चाहा है। तुम्हारे सिवा मैंने बचपन से किसी को नहीं चाहा। तुम्हारे सिवा मैंने किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। मेरे इस खाली दामन में अपने मोहब्बत की भीख डाल दो मुस्तफा। तुम मुझसे वो मांग रही हो सोबिया, जिससे मैं खुद खाली हो चुका। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मुझसे शादी करके तुम्हें सिवाय पछतावे के और कुछ हासिल नहीं होगा। सबीन की बेवफाई ने मेरी जात को अंदर से खोखला कर दिया। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारी जात को भर दूंगी मुस्तफा। मुझे बस तुम एक मौका दे दो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अपनी सबीन की मोहब्बत का एक छोटा सा हिस्सा तुम बस मेरी झोली में डाल दो। मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। तुम्हें कभी सबीन की याद नहीं आएगी। इतने बड़े दावे मत करो सोबिया। उसने मुझसे कहा था इस मोहब्बत को मिटाने के लिए 22 सदियां तो लगनी चाहिए, कि उम्र बहुत छोटी है, तुम उसकी याद मेरे दिल से निकाल नहीं पाओगी। उसने तो मोहब्बत मिटाने में चंद मिनट नहीं लगाए,
तुम यहाँ खड़े सदियों की बातें कर रहे हो। एक बेवफा की बातों पे इतना यकीन मुस्तफा? सोबिया तुम समझ नहीं रही, मैं तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं दे पाऊंगा। बड़े बेरहम मुस्तफा, बेवफा से वफा और वफा वालों से इतनी बेरुखी। तुम्हारा साथ मिल जाए मुस्तफा, मोहब्बत में तुम्हारे दिल में खुद पैदा कर लूंगी। और मेरा दावा है तुम एक ना एक दिन उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे। सॉरी मैं देख के नहीं चल रहा था। नहीं, गलती मेरी भी है, मुझे देख के चलना चाहिए था, मेरा ध्यान नहीं था। I'm sorry. नहीं, it's okay. सबीन कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कैसे तैयार हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। लुक एट यू, तुम कितनी अच्छी लग रही हो सादगी में भी। आई मस्ट से, अगर मैं शाहजैन की जगह होती तब तक तुमसे शादी कर चुकी होती। लगता है उसने अभी तक तुम्हें गौर से देखा नहीं, क्योंकि अगर देखता तुम पे दिल हार चुका होता। अच्छा एक बात बताओ, अभी शाहजैन ने तुम्हें देखा तो नहीं? क्योंकि अगर वो तुम्हें पहले देख लेगा तो मेरी तैयारी तो धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, प्लीज मुझे अच्छा सा तैयार कर दो। तुम तो सादगी में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन मेरी तो पाकिस्तानी वेडिंग फर्स्ट टाइम है ना, मुझे तो बहुत अच्छा सा तैयार होना है। तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? मैं अभी लेके आती हूँ। लड़कियों आ जाओ, देर हो रही है। तैयार हो गए आप? हाँ बस लड़कियां आ जाए तो फिर चलते हैं। मैं कब से खड़ी इंतजार कर रही हूँ, सबीन तो तैयार है, बस शांजे को तैयार कर रही है। सबीन भी साथ जाएगी? तो इसमें इतनी हैरत से पूछने वाली क्या बात है, उसके ताया जात की शादी है। और ठीक है, इनके दरमियान जो भी रिश्ता था पहले वो सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ उसका ताया जात है, और मेरे ख्याल में उसको जरूर जाना चाहिए। ठीक है, मैं आप सबका बाहर इंतजार कर रहा हूं। अब आप भी जाओ। उसने तुम पर एतबार नहीं किया, तुम पर अगर सारी दुनिया भी उंगली उठाए तो मैं उन पर यकीन नहीं करूंगा, इतना एतबार है मुझे तुम पर। लेकिन उसने तुम पर एतबार नहीं किया, हालांकि वो तुमसे इश्क का दावा करता है। Thank you.
अल्लाह पाक हर बुरी नजर से बचाए। बुरी नजर तो उतारने से उतर जाएगी खाला, लेकिन इश्क की नजर तो उतारे नहीं उतरती। और मुझे मुस्तफा और सबीन के इश्क से डर लगता है खाला। मेरे इस रिश्ते को कहीं उनके इश्क की नजर ना लग जाए खाला। नजर नजर वालों की लगती है सोफिया, नापाक लोगों की नजरों में इतनी तासीर नहीं होती कि वह दूसरों की खुशी को खा सके। बस थोड़ी देर बाद तुम्हारा मुस्तफा से निकाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुस्तफा मुझसे मोहब्बत नहीं करता खाला। मोहब्बत क्या होती है सोफिया? क्या मेरे और तुम्हारे खालू के दरमियान शादी से पहले मोहब्बत थी? नहीं, बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया, शादी हो गई। अब देख लो तुम्हारे सामने खुशखुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं होता। असल रिश्ता तो मियां बीवी का रिश्ता होता है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चलो आओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शाज़ीन, तुम्हें पता है मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी वेडिंग अटेंड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम नफीसा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। जिस दिन सोबिया इस घर में आई थी मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं इसे अपनी बहू बनाऊं। मेरी बहन ने इस दुनिया से जाते वक्त मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। बस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो जिम्मेदारी मैं निभा पाई। अल्लाह पाक ने मेरे दिल की मुराद सुन ली। आंटी मुझे दुल्हन तो दिखाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। हाँ जरूर। नफीसा, ये शाज़ैन की दोस्त है और बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है। अच्छा, आओ बेटा। आओ दुल्हन देखे। सबीन तुम भी चलो ना। पुप्पो, आप चले मैं आती हूँ। अच्छा चलो, आओ शान से तुम्हें मैं दुल्हन दिखाऊँ। आओ। बैठे। आइए आप। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जीती रहो, खुश रहो और आबाद रहो। आमीन। ये तुम्हारे और मुस्तफा के लिए गिफ्ट है। ये मुस्तफा है कहाँ, नजर ही नहीं आ रहा। आपा वो तैयार हो रहा है। इस तोहफे की क्या जरूरत थी? आपका तो पहले ही हम पे बहुत एहसान है। मुस्तफा की बीमारी में आपने इतनी बड़ी रकम दी थी हमें। नफीसा, एहसान का जिक्र करके मुझे छोटा मत करो। इस एहसान के बदले में किसी ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। तुम भी तो जानती हो इस बारे में। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। And the dress is so good. मैं भी अपनी शादी पे ऐसा ही ड्रेस बनवाऊंगी। शान से, मैं खुद तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करवाऊंगी। बेटा,
तुम्हारी शादी तय हो चुकी है? तय तो नहीं हुई है, पर तय ही समझे। बहुत अफसोस हो रहा होगा तुम्हें मुस्तफा को अपने सामने किसी और का होते हुए देख के, है ना? ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे इस दुख का जिम्मेदार कौन? तुम आशी मुझे कसूरवार समझते हो, हालांकि तुम खुद भी जानती हो कि उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, मैंने गलती की छोरी से। तो क्या बात है, कजन हो तुम मेरी, मुझसे मिलने नहीं आ सकते? कजन्स को रात के अंधेरे में फार्म हाउस पे मिलने के लिए बुलाया जाता है क्या? तुम मुस्तफा से भी अकेले मिलती रही तो फिर मुझसे ही मिलने पर शक क्यों? सिर्फ कसूर मेरा नहीं है सभी, वो भी कसूरवार है। उसने तुम पर एतबार नहीं किया। तुम पर अगर सारी दुनिया भी उंगली उठाए तो मैं उन पर यकीन नहीं करूंगा। इतना एतबार है मुझे तुम पर, लेकिन उसने तुम पर एतबार नहीं किया। अलग वो तुमसे इश्क का दावा करता है। अरे वाह, हिदाई का मुजाहरा वो भी इतनी खूबसूरती से करना तो कोई तुम दोनों से सीखे। मेरा तो ख्याल था, बल्कि ख्याल नहीं यकीन था कि तुम दोनों नहीं आओ, लेकिन तुम दोनों ने तो आज साबित कर दिया कि बेवफाई इंसान को निडर और बेशरम दोनों बना देती है। बेवफाई नहीं, मोहब्बत इंसान को बहादुर और निडर बना देती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुमने इश्क तो किया, लेकिन इश्क की उस नजर से महरूम रह गई जिससे इश्क के पार भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए तुम्हें सिर्फ बेवफाई दिखाई दी, कुर्बानी नहीं। नई जिंदगी का नया रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। कबूल है? बेटा आपको कबूल है? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कबूल है? मुस्तफा बेटा जवाब दो ना। हाँ कहो बेटा,
मुस्तफा मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। कबूल है। कबूल है। कबूल है। चले हाँ काफी देर हो गई, चलते हैं। तुम गाड़ी निकालो, हम आते हैं। ठीक चले। पुपु, आप लोग चले, मैं आती हूँ। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? जो किसी को किसी की अमानत लौटानी, जब सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं तो सारी चीजें भी लौटा देना बेहतर। ठीक और शान से हम गाड़ी में बैठे। सोचा जाने से पहले एक दफा अकेले में बात करती हूँ। बरसों की दोस्ती के बाद इतना हक तो बनता है। नहीं, तुम बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? आज मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है सोबिया, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। ज्यादा कुछ नहीं कहूँ मैं तो, बस ये कि अमानत देने आई थी तो कभी मुझे मुस्तफा ने दी, लेकिन इस पर अब तुम्हारा हक है। और हाँ, इस पर मुस्तफा के साथ खुदा हुआ मेरा नाम तब्दील जरूर करवा दे। देवी का तो पता नहीं, मगर इस लोहे पर ही अपना नाम तो मुस्तफा के साथ लिखवा सकती हूँ। सच में मोहब्बत इतनी सच्ची और पाकीज़ा होती है? मोहब्बत हमेशा सच्ची और पाकीज़ा होती है, मगर मेरी मोहब्बत को किसी की नफरत की नज़र खा गई। ये रास्ता मैंने अपने लिए खुद चुना है और इसके कांटे भी मैं खुद ही चुनूंगी। रात काफी भारी गुजरी होगी। कुछ ऐसा बदनसीब भी शायद ही कोई होगा। मेरे साथ बाहर जाते हुए तो तुम्हें बहुत डर लगता था। वैसे तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते, या फिर सारी जिंदगी बस यूं ही सफा?